तो दोस्तों आप मेहनत करते हैं, आप सोच रहे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। भाई आज के समय में 2024 में आप कड़ी मेहनत से भी मेहनत करिएगा ना तो आप वायरल नहीं होइएगा। इस 3 ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप अपनी वीडियो को इतनी मेहनत से बनाते हैं, जब मेहनत से तो रिकॉर्ड करते हैं आप अपनी वीडियो का टाइटल, सब सोचते हैं आप अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाई इस वीडियो को बनाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, थंबनेल आपका सही नहीं होता है। थंबनेल अगर सही भी हो गया, आप टाइटल ठीक नहीं डालिएगा, डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं डालिएगा, उस तरीके से आपका वीडियो कैसे वायरल होगा? होगा भाई वायरल, आज के टाइम में ऐसा वीडियो वायरल होगा ही नहीं जब आप अपनी वीडियो का SEO ठीक से नहीं करिएगा, थंबनेल नहीं लगाइएगा ठीक से, और आप अपनी वीडियो को एकदम SEO के तरीके से रैंक नहीं कराइएगा, तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। यहाँ YouTube पे आप दिमाग चाहिए दिमाग, मेहनत नहीं। 2017 वाला टाइम नहीं है कि आपका मेहनत करिएगा, कैसी भी वीडियो बनाइए वायरल हो जाइएगा। आज के समय में आप बना रहे तो YouTube पे आपको दिमाग चाहिए। अब दूसरे बारे में बता रहा हूँ, दूसरे तरीके के बारे में, आप अपनी वीडियो का जो होता है वॉच टाइम और जो आपकी वीडियो पे व्यू नहीं जाता, इंप्रेशन नहीं जाता है, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। पहले रुक जाइए, आप जो सोच रहे हैं कि मेरे वीडियो में खुद नहीं जा रहा है व्यूज़ तो मैं आप लोग को क्या बताऊँगा, तो रुकिए। मैं ये जो अपने चैनल पे 3 महीना अभी उसे यूज़ लगाने वाला हूँ ना अपने चैनल पे ट्रिक, वो आप लोग को भी बता रहा हूँ कि आप लोग लगाए। 3 महीना मैं अगर कर रहा हूँ, अगर वो 3 महीना में मेरे को नहीं हुआ, अगर मेरे चैनल पर नहीं कुछ बदलाव दिखेगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। अब पक्का कह रहा हूँ, आप 3 महीना अपने चैनल पर कर लीजिए, नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट में आके कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को डर नहीं है, आप बोल सकते हैं कुछ भी बोलो आप, मगर मेरे को पता है कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी तरीका बता रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो, आप अपने चैनल को इतना ग्रो कर सकते हैं कि क्या बोले हम आपको। अब देखिए, अब जो मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपकी वीडियो का जो इम्प्रेशन नहीं भेजता यूट्यूब, तो आप उसमें करें क्या, आप अपनी वीडियो को दूसरे जीमेल से, ये वाला मोबाइल से नहीं, जिस वाले मोबाइल में आपका जीमेल लॉगिंग है उसी वाले मोबाइल से आप दूसरे जीमेल से लॉगिंग करके देखिएगा तो यूट्यूब लोकेशन ट्रैक कर लेगा। देखिए दूसरे जीमेल से आप अपनी वीडियो को वॉच करिएगा, एक जीमेल से 3 बार वॉच करिएगा, फिर उसके बाद से आपका चैनल देखेगा किस तरीके से आपका वीडियो को इम्प्रेशन भेजेगा। मगर आप गलत तरीके से करिएगा तो गलत तरीके से जो करिएगा तो यूट्यूब पकड़ लेगा। आप जिस जीमेल से देख रहे हैं उस जीमेल से आपको अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो यूट्यूब समझ जाएगा कि ये सब्सक्राइबर 3-3 बार क्यों देख रहा है। देखो अगर दूसरा बंदा आएगा देखेगा तो YouTube समझेगा कि भाई 3 सब्सक्राइबर नहीं है तो दूसरा बंदा देखा होगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी वीडियो का लेंथ बढ़ा रखें। शॉर्ट क्रिएटर जो अपनी वीडियो को 10 से 20 सेकंड का बनाते वो वीडियो कभी 1 करोड़ पार व्यू नहीं जाएगा। और शॉर्ट क्रिएटर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग को शॉर्ट क्रिएटर का, लॉन्ग क्रिएटर का भी मैं बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, शॉर्ट क्रिएटर का बता रहा हूँ। देखिए शॉर्ट क्रिएटर जो अपनी वीडियो का लेंथ 59 सेकंड रखे, 59 सेकंड या 58 सेकंड ऐसे रखिएगा ना आपका, तो आपका जो वॉच टाइम का वो वॉच टाइम एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो आपका ज़्यादा रहेगा तो यूट्यूब और अपने बंदे लोग को भेजेगा कि देखिए जब आपका लेंथ बड़ा रहेगा ना वीडियो का तो यूट्यूब सोचेगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे बंदे इतने देर रुक रहे इस वीडियो के कारण, तो उस वीडियो को दूसरी जगह भी भेजेगा। और लॉन्ग वीडियो का बता रहा मैं, लॉन्ग वीडियो को आपको लॉन्ग वीडियो में 8 मिनट से ऊपर भेजना है। क्यों, अब मैं उसका भी बारे में बता रहा हूँ। 8 मिनट से जो अब ऊपर भेजिएगा आप तो उससे क्या होगा, यूट्यूब को ऐड चलाने का मौका मिलेगा। ऐड चलाएगा यूट्यूब तो आपको पैसा मिलेगा, और आपको मिलेगा आधा आधा यूट्यूब को मिलेगा। तो आप अपनी वीडियो को 8 मिनट से ऊपर बनाइएगा, 5 मिनट की बनाइएगा तो यूट्यूब को कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जब यूट्यूब को फ़ायदा नहीं होगा तो आपसे यूट्यूब हाथ जोड़ के कहेगा भाई मैं आपकी वीडियो को नहीं वायरल करूँगा, और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी मेहनत करिएगा आपका ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जब आप अपनी वीडियो का क्वालिटी, आप अपनी वीडियो का SEO सब ठीक रखिएगा तब आपकी वीडियो वायरल होगी, मगर एडसेंस नहीं चलेगा। यूट्यूब बहुत ही
मुश्किल में आके आपकी वीडियो को वायरल करिएगा जब आप बहुत सब मेहनत करिएगा बहुत करी से करी। मगर मैं आपको उस टिप्स के बारे में बता रहा हूँ, जब 8 मिनट से ऊपर आप वीडियो बनाइएगा ना तो आपकी वीडियो यू रैंक होगी कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं भी अब ये अपने चैनल पे करने वाला हूँ। मेरी वीडियो का लेंथ अभी 3 मिनट से ऊपर रख रहा हूँ, नहीं भी तो आप लॉन्ग वीडियो का लेंथ 3 मिनट से ऊपर रखें, क्योंकि एक भी एडसेंस नहीं चलेगा ना आपकी लॉन्ग वीडियो में तो दूसरे को आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा YouTube, क्योंकि YouTube को उससे कमाई नहीं हो रहा है उस वीडियो से, तो आपकी वीडियो को क्यों प्रमोट करेगा। तो आप अपनी वीडियो का 8 मिनट से और 3 मिनट से ऊपर रखें लेंथ, तभी जाके आपकी लॉन्ग वीडियो वायरल होगी। शॉर्ट वीडियो 59 सेकंड से ऊपर रखें। मैं भी अपने चैनल पर ये तीन ट्रिक मैं अपने चैनल पर 3 महीना अपने चैनल पर रेगुलर करूंगा। अगर वायरल नहीं होता है तो मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा। मुझे पता है वायरल होगा, मुझे छोड़ने का नौबत ही नहीं आएगा कि मैं इसे छोड़ दूं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि आप अपनी वीडियो को और अपने थंबनेल को, SEO को, टाइटल कैसे करें, सभी को अच्छे तरीके से करिए। आपका वीडियो 100% ग्रो होगा, आपका चैनल ग्रो होगा, आप यू बूस्ट करिएगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ। दूसरी चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ नया लेके। जब तक के लिए बाय।